हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं हॉट डॉग बंस। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हॉट डॉग्स बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो है 2 टीस्पून इंस्टेंट ड्राई ईस्ट, 10 ग्राम है ये, 40 ग्राम्स रूम टेम्परेचर अनसॉल्टेड बटर, 1/2 कप पानी रूम टेम्परेचर है, इसे हम बाद में लुक वार्म करेंगे, ये है 125 ml, 15 ग्राम्स ऑफ शुगर, 25 ग्राम्स ऑफ शुगर अलग से लेंगे हम, 30 ग्राम्स मिल्क पाउडर लेंगे, 8 ग्राम्स सॉल्ट लेंगे, 350 ग्राम्स ऑल पर्पज फ्लावर यानी मैदा लेंगे, एडिशनल हम 1 कप पानी लेंगे जो 250 ml रूम टेम्परेचर रहेगा, 2 टेबलस्पून हम ऑल पर्पज फ्लावर यानी 30 ग्राम्स मैदा लेंगे। उसके साथ हमें एक स्क्रेपर की ज़रूरत रहेगी। अगर आपके पास स्क्रेपर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी शार्प चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। एक स्पैचुला चाहिए जो हीट प्रूफ रहे, या कोई भी वुडन स्पून भी चलेगा, और एक क्लीन रैप फॉइल ज़रूरत है, और एक लास्ट में मिक्सिंग बोल का हमें नीड होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम गैस ऑन कर देंगे। गैस को हम लो फ्लेम पे रखेंगे। उसमें हमने जो ये मैदा लिया था वो डाल देंगे। मैदा डालने के बाद हम इसमें पानी डाल देंगे और हम इसे स्टर करना स्टार्ट कर देंगे। हमें जल्दी जल्दी स्टर करना होगा, नहीं तो इसमें लम्स आ जाएंगे। और इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। दो से तीन मिनट के बाद आप देख सकते कि है कि ये थिक होने लग गया है। जैसे ही हमें ये कंसिस्टेंसी मिल जाएगी, हम जो गैस का फ्लेम है वो ऑफ कर देंगे और इसे हम एक बोल में निकाल देंगे। बोल को हमें क्लीन रैप करना है। आप देख सकते हैं हमारे ये मिक्सचर रेडी है। अभी हमें इसे कोने में ठंडा होने के लिए रख देना है। अभी डो बनाने के लिए हम मिक्सिंग बोल में मैदा डाल देंगे। नमक डाल देंगे। मिल्क पाउडर डाल देंगे। हम इसमें 15 ग्राम्स जो शुगर लिए थे वो डाल देंगे। ये सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे कोने में रख देंगे। अभी हम एक मिक्सिंग बोल में लुकवार्म वाटर डालेंगे। याद रखिए, पानी इतना गर्म होना चाहिए कि आपका जब फिंगर जाए तभी आपको ज़्यादा चटका नहीं लगना चाहिए। इसमें हम जो हमारा शुगर था 25 ग्राम्स वो डालेंगे और मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है।
कि शुगर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। अभी आप देखेंगे कि हमारा जो शुगर है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो चुका है। इसमें अभी हमारे जो इंस्टेंट ड्राई ईस्ट है हम वो डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसे कोई भी वार्म प्लेस में हम रख देंगे। अगर आपके घर में माइक्रोवेव है तो बंद माइक्रोवेव में इसे डाल के रख दीजिए, और माइक्रोवेव अगर आपके घर में नहीं है तो आप बंद ओवन में भी डाल के इसको वार्म प्लेस में 10 मिनट तक रख सकते हैं। 10 मिनट्स हो गया है और हमारा जो ईस्ट है वो एक्टिवेट हो गया है। आप देख सकते हैं वो कैसे डबल इन साइज हो गया है। अभी जो हमारा ईस्ट मिक्सचर है, इसे हम हमारे जो मैदा वाला मिक्सचर था जिसमें हमने शुगर मिल्क पाउडर सब डाला था, ऐड किया था, वो बोल में डालेंगे। हल्का सा मिक्स करेंगे। और इसमें हमारा जो स्टार्टिंग में हमने जो मैदा वाला बैटर बनाया था मिक्सचर, वो हम डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करना है। इसे हमें बोल में कम से कम 3 से 4 मिनट तक मिक्स करना है। इसे 4 मिनट हो चुके हैं। हम पहले थोड़ा सा फ्लावर डालेंगे जो मिक्सचर है, इसमें निकाल देंगे। इसे हमें नीट करना है। हमें इसे ऐसे कम से कम 8 से 10 मिनट तक नीट करना है। बीच बीच में स्क्रेपर का इस्तेमाल करेंगे। चार से पांच मिनट हो चुके हैं नीडिंग के। अभी हमारा जो बटर है हम वो ले लेंगे, बटर को सॉफ्ट कर देंगे और मैदे में इनकॉर्पोरेट कर देंगे। और ऐसे हमें इसे कम से कम 8 से 10 मिनट तक नीट करना है। पहले हमने डो को 4 से 5 मिनट तक नीट किया था, अभी बटर डालने के बाद हम इसे 8 से 10 मिनट तक नीट करेंगे। आठ से दस मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे। मैं यहाँ पे ऑलिव ऑयल यूज कर रही हूँ, आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल हम बोल में डालेंगे। स्प्रेड कर लेंगे।
और ये डो को हम क्लीन रैप करके वार्म जगह पर 1 घंटे तक छोड़ देंगे। 1 घंटा हो चुका है, आप देख सकते हैं कि जो हमारा डो है वो डबल इन साइज हो गया है। अभी हम इसे मिक्सिंग बोल से निकालेंगे। थोड़ा सा फ्लावर डालेंगे हम, और हमारा जो डो है उसे इस पे निकाल देंगे। अभी इसे हमें 1 से 2 मिनट तक नीट करना है। एक दो मिनट के बाद हम 65 ग्राम्स के ईच बॉल्स बनाएंगे। थोड़ा सा फ्लावर हाथ पे ले लेंगे। ऐसे हम सब बॉल्स हमने 60 to 65 ग्राम्स के बॉल्स बना दिए हैं। अगर आपके पास वेटिंग स्केल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अंदाजे से भी अपने बॉल्स बना सकते हैं। इसके बाद हम क्लीन रैप लेके इन्हें ऐसे 15 मिनट तक हम छोड़ देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे जो एक एक बॉल है वो डबल इन साइज हो गए। एक एक बॉल को हम निकालेंगे, बाकी सबको ढाके ही रखेंगे। थोड़ा सा फ्लावर डस्ट करेंगे। एक साइड से रोल करना स्टार्ट करेंगे। रोल हो जाएगा, एक बार अच्छे से लॉक हो जाए तो उसे उठा के हम बेकिंग ट्रे पे रख देंगे। अच्छे से कवर कर लीजिए। अभी हमें इसे आधे से 1 घंटे तक गर्म जगह पे रखना है। 45 मिनट्स हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे जो हॉट डॉग बंस है वो डबल इन साइज हो चुके हैं। अब हम इन्हें मिल्क वॉश करेंगे। अभी हम इन्हें बेक करेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पर 20 टू 25 मिनट्स, जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारे हॉट डॉग्स जो है वो अच्छे से बेक्ड हो चुके हैं। अभी हम इन्हें अवन से निकाल देंगे। हमने हॉट डॉग को अवन से निकाल दिया है। अभी हम मेल्टेड बटर लेके इस पर ब्रश करेंगे।
आप देख सकते हैं कि हमारे जो हॉट डॉग बंस हैं वो कितने सॉफ्ट बने हैं। अभी मैं आपको ये काट के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अंदर से एकदम सॉफ्ट और फ्लफी हमारा जो हॉट डॉग बंस है वो एकदम सॉफ्ट बना है। ये रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।